बाबू साहब बचा रहे हैं क्या आरोपियों को? इसमें 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 जो लोग हैं, अब तो हम बोल रहे हैं एसपी और डीएसपी जब तक रहेगा इनको न्याय नहीं मिलेगा, उनको हटाने की मांग क्या कर रहे हैं? अविलंब हटाना चाहिए, जस्टिस कैसे मिलेगा? तो हमारे पास फोटो है क्या? वो आप लोग को हम फोटो भी दिखा देते हैं, हालांकि हम लोग रिलीज भी करवाएंगे इस चीज में। ये इतना बड़ा अन्याय जो है, ये जो व्यक्ति है ये प्रवीण है जिसने हत्या की और जो संगठन रावण के नाम से चलाता है, और इनके गुरु कहलाए जाने वाले जो लोग हैं वो विनोद, जो यहाँ के स्थानीय विधायक है वो है विनोद नारायण झा। अब आप देखिए, यही व्यक्ति जो पुलिस अधिकारी है, डीएसपी जो है उसके साथ फोटो है, ये डीएसपी है और ये प्रवीण है। तो अब कैसे आप कह सकते हैं कि निष्पक्ष जांच जो है वो होगा? एसडीओ भी है, इसमें एसडीओ वगैरह सब है, और लगातार इनके प्रशासन के लोगों से मिली भगत लगातार रहती है। जो रंगदारी वगैरह संगठन से ये लोग कमाते हैं उसमें कुछ पैसा जो है अधिकारियों को भी चंदा ये लोग देने का काम करते हैं। ये करप्शन घूसखोरी नीतीश जी के राज में मामूली बात है। न्याय कहते हैं कि न्याय के साथ विकास होगा, कहाँ है न्याय नीतीश जी, कहाँ है? वो तो कहते हैं कि हम कुछ एक भी समय खाली नहीं देते, काम करते हैं। कौन सा काम करते हैं? आरसीपी टैक्स कलेक्शन, पांच बार डीजी से वो आरसीपी टैक्स कलेक्शन करते हैं, पांच बार आके डीजीपी क्या बताएगा? डीजीपी को क्या पता है? जो उसका एसपी बोलेगा वही उसको रिपोर्ट देगा। एसपी यहां गांव आया, डीजीपी का क्या कहना है? मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, वोट दे करके किसको बैठाया गया है? आकर के मिलना चाहिए, परिवार के लोगों की सुननी चाहिए, यहाँ के स्थानीय लोगों की सुननी चाहिए। लोग तक रहेगी नहीं, जो अधिकारी पढ़ाएंगे वो पढ़ लेंगे। और आप बताइए, डीएसपी एसपी किससे पूछेगा? डीएसपी से, डीएसपी के साथ फोटो कानून इतना कोई बच्चे का? अरे कौन कानून, कानून तो इन लोग तो तानाशाही रवैया से देख ही रहे हैं कि पुलिस जो है इतना बढ़िया कानून है कि नेपाल चली गई छोड़ दे प्रवीण को, ये कानून है इनका। आप ये बताइए, मुख्यमंत्री कहते हैं कि डीजीपी से बात की, डीजीपी बात करेगा एसपी से, एसपी बात करेगा डीएसपी से, जो डीएसपी रिपोर्ट देगा एसपी को वही एसपी रिपोर्ट देगा डीजीपी को, वही डीजीपी बताएगा मुख्यमंत्री को, न्याय कहाँ मिलेगा? मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है, जहाँ घटना हुआ वहाँ जाइए, पीड़ित परिवार से मिलिए और उनको न्याय दिलाइए। लेकिन अधिकारी बाबू साहब बचाने में लगे, बाबू साहब का बयान हुआ था चुनाव के वक्त, आपको काफी घेरा गया था। अरे देखिए, ये आप कहीं और ले जाना चाह रहे हैं, ये बात नहीं है। जहाँ भी अन्याय होगा वहाँ तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। चलिए चलिए चलिए।